राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में हमीरपुर के छात्रों ने 5 खिताब जीतकर ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम की है। इनमें एक छात्रा के सर्वे रिपोर्ट को राष्ट्रीय स्तर के लिए चुना गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिला प्रवेशक अश्विनी चंवियाल को सम्मानित किया गया। डॉक्टर यशवंत परमार हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय नौणी में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन की सिल्वर जुबली 12 से 15 नवंबर तक मनाई गई, जिसमें हमीरपुर के छात्रों के बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा बरकरार रखा। सीनियर सेकेंडरी सर्वे रिपोर्ट में मुस्कान की रिपोर्ट को प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल हुआ तथा इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए चुना गया। सीनियर सेकेंडरी क्विज में उद्यम प्रताप तथा आसिफ खान ने हिमाचल में प्रथम स्थान हासिल किया। सीनियर ग्रामीण वर्ग में अनन्य और आकांक्षा ने प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल कर जिला का नाम ऊंचा किया। जूनियर शहरी क्विज वर्ग में अंकिता और वंशिका ने भी पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर खिताब अपने नाम किया। हमीरपुर के 3 मॉडल जो प्रदर्शनी में रखे गए थे, उनको देखने के लिए 4 दिन तक दर्शकों का तांता लगा रहा। सीनियर अर्बन और जूनियर ग्रामीण वर्ग में अदिता गुंजन प्रिया व अनामिका की जोड़ी ने प्रतियोगिता में 3रा स्थान हासिल किया। इस प्रदेश स्तरीय विज्ञान सम्मेलन का नेतृत्व जिला विज्ञान प्रवेशक अश्विनी चंबियाल तथा सुशील चौहान, राजेश गौतम, प्रवीण सिंह, संजीव ठाकुर, मीना शर्मा, ऐश्वर्य ज्योति द्वारा किया गया। हमारा जो ये राज्य स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन 2017 जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी में ये 12 से 15 तारीख तक सम्पन्न हुआ, जिसमें हमीरपुर जिला के 55 स्टूडेंट्स ने भाग लिया था और हमारे 11 गाइड टीचर्स यहाँ से गए थे। इस टीम का प्रतिनिधित्व मैंने किया था। और सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा जो गोल्डन जुबली यानी जो 25th चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, इसको हमने एज ए गोल्डन जुबली के रूप में वहाँ पे इसको मनाया गया। बहुत बढ़िया ही एक कार्यक्रम हुआ। लगभग 600 जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे 11 जिलों से वहाँ पहुंचे हुए थे, और जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का है उन्होंने बहुत लगभग 3 यूनिवर्सिटीज के वहाँ वाइस चांसलर्स थे, और जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं जो कि हमारे विज्ञान प्रचार और प्रसार के जो मुख्य हैं मिस्टर कटारिया जी, वो भी वहाँ पहुंचे हुए थे। बच्चों के साथ उनकी बहुत बड़ी इंटरेक्शन हुई। साइंस को हम कैसे इसका प्रचार और प्रसार करें, और साइंस में जो बच्चों का कैरियर है वो बच्चे हमारे कैसे बना सकते हैं, उसमें बच्चे में समझते हम बहुत ज्यादा लाभित हुए। जहां तक हमीरपुर जिले का प्रदर्शन का सवाल है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो गोल्डन जुबली को जिस शानदार तरीके से उन्होंने मनाया, उतने ही शानदार तरीके से हमीरपुर जिला के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनमें उनको ट्रॉफीज मिली। ये पहली बार हुआ कि जिला हमीरपुर में क्यूज जूनियर में, क्यूज सीनियर में और क्यूज सीनियर सेकेंडरी में तीनों ही ग्रुप में जो एक स्टेट स्तर पर प्रथम रहे और तीनों ट्रॉफियां हमीरपुर ने अपने नाम की हैं। इसके अलावा जो हमारा मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो कि प्लस 2 का लेवल का था, उसमें भी हमारा जो बच्चा था वो प्रथम रहा और उसको भी ओवरऑल ट्रॉफी से वहां नवाजा गया। इसके अतिरिक्त एक हमारे जो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बेटी थी प्लस 2 की, वो अपने जो उसने एक सर्वे रिपोर्ट बनाई हुई थी उस रिपोर्ट को ऑल इंडिया लेवल पर जो हमारा चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस 27-31 दिसंबर को अहमदाबाद में होगा उसके लिए उसका चयन हुआ है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज तक इतनी ज्यादा लगभग 5 ट्रॉफीज हमीरपुर को कभी नहीं मिली थी। बच्चे हमारे बहुत उत्साहित थे, और साथ में जो हमारे दूसरे एक्टिविटीज कॉर्नर्स में बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। हमारे जो मॉडल्स हमने 3 यहाँ से ले गए थे, लगभग 500 से ज्यादा लोगों ने उन मॉडल्स को विजिट किया, उन मॉडल्स को सराहा। इसके बाद हमारा जो एक मैग्रेंट पब्लिक स्कूल था, उनका जो स्किट था लगभग 7 मिनट का स्किट था, उसमें बहुत ज्यादा जो हमारे दर्शक थे उन्होंने बहुत ज्यादा आनंद किया, और स्किट की जो स्क्रिप्ट था उसको बहुत ज्यादा सराहा गया।